एक बार से एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। पबजी मोबाइल के थर्ड एनिवर्सरी की बात यहाँ पे देख सकते हो। स्पॉन आइलैंड के अंदर यहाँ पे सब गन लेकर आ रहे हैं, तो ये गन कैसे लेना ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उसका एक और चीज बताऊंगी कैसे आपको जो है थर्ड एनिवर्सरी का पैराशूट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैराशूट है या वो कैसे मिलेगा बताऊंगा। तो चैनल में नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब करो और घंटा दबा लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस पबजी में स्पॉन आइलैंड के अंदर कैसे आपको गन ले जाना, सिंपल इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में देखो सेटिंग लिखा रहेगा ना, इस सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर शो फायर आर्म इन द मेन्यू रहेगा, ठीक है। इसे क्या होगा आपको मेन्यू के अंदर जो है फायर आर्म शो करेगा, यहाँ पे गन पकड़ने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे कोई भी आप गन पकड़ लो, AKM पकड़ लो या फिर ग्रोजा पकड़ लो, कोई भी गन पकड़ोगे ना सब जाके जो है आपको वहाँ पे दिखाएगा आपका स्पॉन आइलैंड के अंदर। तो मैं यहाँ पे ग्रोजा पकड़ ले रहा हूँ, तो गाइस ग्रोजा पकड़ के जो है मैं चलता हूँ स्पॉन आइलैंड के अंदर। इसको पॉज करता हूँ, आपको मिलता है स्पॉन आइलैंड में। तो गाइस मैंने हाथ में गन रखा था लेकिन देखो मेरे हाथ में क्या गया, पैन आ गया। इसका मतलब कि ग्रोजा अब यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल गन्स ही आएंगे जो आपको नॉर्मली मिलेंगे। यहाँ पे जो स्पेशल ड्रॉप वाले गन्स है सब नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो है मुझे ग्रोजा के बदले में पैन पकड़ा दिया गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कोई और गन ट्राई करते, कोई और गन आता है कि नहीं। तो गाइस देखो वापस से जो है M4 चेंज कर लिया और यहाँ पे देखो मेरे हाथ में M4 आ चुका है। मैं यहाँ पे मार भी सकता हूँ, यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट भी देगा। अगर आपका M4 अपग्रेडेड है तो यहाँ पे ब्लू इफेक्ट देगा, ठीक है। तो गाइस यही वाला चीज आप कोरिया पे करोगे ना तो वहाँ पे तो नया इफेक्ट आएगा इस ब्लू कलर का, ये वाला इफेक्ट आपको ब्लू दे वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ओपी लगता है ब्लू कलर का। और यहाँ पे देखो मैं FPP कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या ही लग रही है। तो यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए, सिंपल आपको इन्वेंटरी में इसको एक इनेबल कर देना सेटिंग्स को, उसके बाद जो आपको आराम से यहाँ पे गन शो करेगा। अब गाइस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है पैराशूट दिखेगा, थर्ड एनिवर्सरी पैराशूट कहाँ से मिलने वाला है आपको, चलिए देखते हैं। तो गाइस थर्ड एनिवर्सरी का पैराशूट लेने के लिए सिंपल से आपको थर्ड एनिवर्सरी का यहाँ पे थीम पार्क में आ जाना पड़ेगा, आ जाना होती है जेट पैक का यूज करना पड़ेगा। और जेट पैक का यूज करने के बाद जैसे आप इसको लैंड करोगे ना तो आपको यहाँ पे थर्ड एनिवर्सरी का पैराशूट शो करेगा। तो गाइस टेम्पररी है, इसको आप इस थीम पार्क के अंदर भी यूज कर सकते हो गाइस, जी हाँ गाइस। और गाइस ये वाला सिर्फ इसी पार्क में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पैराशूट है वो थर्ड एनिवर्सरी पैराशूट, यहाँ पे आपको जैसे ही खोलोगे यहाँ पे तो यार थर्ड एनिवर्सरी पैराशूट दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जेट पैक यूज करने के बाद ही दिखेगा। हो सकता है ये कोई इवेंट में आए फ्यूचर में, तो इवेंट आपको बना दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फटाफट घंटा भी दबा दो। और ऐसे बात ये आपको थीम पार्क में भी दिखेगा, अभी दिखा दे रहा आपको। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो गाइस ये आपको चेयर पार्क के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, वही सेम पैराशूट थर्ड एनिवर्सरी पैराशूट। तो इस वीडियो पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल में और घंटा भी दबा देना अगर नए हो चैनल में तो, और अगर कमेंट करना कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोई वीडियो को लेकर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। उड़ जाने दे हमें नहीं है बसना, दारू ज्यादा थोड़ा तू भी ले आयो ना चकना, देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रही हूँ गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे, सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा